मैं हूं एडवोकेट नितिश मांगा, आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको एक नॉलेज देने जा रहा हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो डिवोर्स केस है जो बहुत ही सालों से चलता ही जा रहा है, यानी 4 से 5 साल हो गए हैं अभी तक और आगे भी पता नहीं कितना टाइम चले, और आपको ये नहीं पता ये केस जो है कब खत्म होगा, और जो आपकी जो उम्र है वो बीती जा रही है, इतने साल बीत गए हैं, 5 साल 6 साल ऑलरेडी आप जो है गवा चुके हैं, और अब आप ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरी शादी की उम्र निकल गई है और अब जो है दूसरी शादी होना जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर डिवोर्स के इसके चलते चलते आप अगर दूसरी शादी कर ले तो उसके क्या लीगली क्या उसके परिणाम होंगे, वो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ क्या मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिवोर्स केस आपका चल रहा है और इतने साल चले गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप दूसरी शादी कर लेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और लीगली कोई उसका जो है कुछ होगा नहीं उसमें, तो ये जो है सोच मैं आज थोड़ी बदलने जा रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है क्या क्या चीज़ें जो है लीगली आपके खिलाफ जा सकती है, क्योंकि ये नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है कि अगर आप ये स्टेप उठा रहे हैं अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये तो पता है कि दूसरी शादी करना पहली शादी के चलते एक कानूनन जुर्म है और इसमें जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो CRPC है और IPC में बाइगेमी के सेक्शन है वो अट्रैक्ट होते हैं। अब क्या होता है कि अगर आपकी मैरिज चल रही है और लीगली जो है डिवोर्स नहीं हुआ है, या आपने कोई पेपर में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया बट लीगली डिवोर्स की डिग्री नहीं ली एज पर द लॉ, तो क्या होगा कि उसमें जो है आपका पूरा केस फिट बैठ जाएगा बाइगेमी में। अब क्या होता है कि जब भी मैरिज होती है, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो या मुस्लिम मैरिज में हो, तो उसमें जो है सेरेमनीज होती हैं बहुत सारी। जैसे हिंदू मैरिज में 7 फेरे होते हैं, आर्य समाज का मंदिर जो है आपको सर्टिफिकेट देता है, वहाँ पे प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन होती है, और उसके बाद मैरिज जो है कई केसेस में रजिस्टर भी कराई जाती है, फोटो खींची जाती है, तो ये सब स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से जो है मैरिज जो है वो वैलिड मानी जाती है। तो अब क्या होता है कि आप ये सब चीज़ें कर भी लेते हैं तो इसके साथ साथ आप जो है कई सबूत छोड़ देते हैं। अब उसमें सबूत ये होता है कि जो जो लोग, या आप एक छोटा सा फंक्शन भी कर रहे हो तो जो जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे विटनेसेस होंगे, और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो भी सेरेमनी हुई है उसका जो एविडेंस है वो ये होगा शादी की फोटोग्राफ्स, या फिर जो आर्य समाज के मंदिर में जो है एक रजिस्टर मेंटेन होता है वहाँ पे एंट्री, ये सब प्रूफ करते हैं कि आपकी मैरिज जो है हुई है। अगर ये सबूत आपके जो वाइफ है जिसके साथ आपका डिवोर्स चल रहा है उसके हाथ लग जाएगा तो फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्रिमिनली ये केस बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, और ये अगर प्रूफ हो गया तो जो भी IPC में सज़ा है वो आपको मिल जाएगी। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरी वाइफ है आपकी, वो उसके साथ जो मैरिज हो रही है वो एज पर हिंदू लॉ वॉइड मैरिज होगी, यानी वो उसकी कोई कानूनी, जब कानून की नज़र में जो है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो अगर आप शादी भी करते हैं और सपोज आपकी पहली मैरिज रजिस्टर्ड है और ये दूसरी मैरिज आप रजिस्टर कराने जाएंगे तो जो कोर्ट है वो रजिस्टर नहीं करेगा दूसरी मैरिज, क्योंकि वो जो है एज पर लॉ वॉइड मैरिज कहलाएगा, मतलब उसका कोई जो है वजूद ही नहीं है। तो वो सेरेमनीज और ये सब करना कोई आपको फ़ायदा नहीं देगा, उल्टा आपका नुकसान होगा और सबूत इकट्ठे होंगे, और तीसरी चीज़ ये होगी कि वो वैसे भी मैरिज जो है वॉइड होती है, जो कानून की नज़र में जो है वॉइड कहलाती है। अब क्या क्या जो है सबूत जो है वाइफ इकट्ठा कर सकती है अगर उसको लगता है कि उसके हस्बैंड ने जो है दोबारा मैरिज कर ली है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो एग्रीमेंट, जो आर्य समाज मंदिर का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत बड़ा प्रूफ होता है, या आर्य समाज मंदिर के रजिस्टर में जो एंट्रीज होती है उसमें फोटोग्राफ्स लगी होती है, सिग्नेचर्स होते हैं, विटनेसेस के साइन होते हैं, और मैरिज की फोटोग्राफ्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अगर वो रिकॉर्ड अगर किसी तरह कोर्ट पहुंच गया तो आप समझ लीजिए कि आपके खिलाफ जो है क्रिमिनल केस जो है बाइगेमी का शुरू हो सकता है। सिविल में जो है, सिविल में भी रेमेडी है, ऑब्वियसली उसने डिवोर्स तो वैसे भी फाइल किया हुआ है तो उस केस में भी उसको
हेल्प मिलेगी अगर उसे डाइवोर्स चाहिए, तो सिविल रेमेडी भी है और जो क्रिमिनल रेमेडी है वो भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये सब दूसरी शादी का सोच रहे हैं तो अगर ऐसा होता है तो फिर वो ऑफेंस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो जाएगा अगर ये सबूत उनके हाथ में लग गए। बट अगर उनके हाथ में कोई सबूत नहीं लगा तो फिर वो आप जो है चोरी छुपे जो है वो मैनेज कर सकते हैं, पर वो लॉ के नज़रिए से एक गलत चीज़ होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने सपोज दूसरी मैरिज कर ली है और आपने जो है उसे छुपाया हुआ है और जो वाइफ है वो उसे पता नहीं है अभी तक, उसे अगर पता चल गया तब प्रॉब्लम होगी, अगर पता नहीं चला तो फिर कोई इशू नहीं है क्योंकि फिर वो कोर्ट के सामने नहीं आ सकता। वो चीज़ जब तक वो कोर्ट के सामने नहीं आ रहा तब तक आपको जो है कोई इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपको जो है सेकंड मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आपके ऊपर है। अब वाइफ कैसे पता लगा सकती कि आपका सेकंड मैरिज हुई है, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे रिलेटिव्स हैं या कोई भी घर वाला आपका या कोई भी बाहर का कोई भी पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी जो है वो आपकी वाइफ को बता सकता है कि ऐसे ऐसे शादी हुई ऐसे ऐसे हुआ, तो वहाँ पे जो है आप फंस सकते हो। फिर आजकल डिटेक्टिव एजेंसीज भी बहुत हैं जो ये पता लगा सकती हैं कि आपकी शादी कहाँ हुई कैसे हुई। अब क्या है कि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है वो हर जगह मैंडेटरी नहीं है, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको विदेश जाना है तो आपको मैरिज रजिस्टर करानी पड़ेगी। जो आपकी सेकेंड मैरिज अगर रजिस्टर होगी तो वो तो एक बहुत बड़ा प्रूफ होगा आपके खिलाफ, वो वाइफ इजीली पता लगा सकती है। तो अगर जो सेकेंड मैरिज अगर आपकी रजिस्टर होती है तो प्रॉब्लम है, आपको बाहर जाने में भी प्रॉब्लम होगी, एम्बेसी और वीज़ा की का भी इशू आएगा क्योंकि सेकेंड मैरिज आपकी वॉइड होगी। अगर वीज़ा इशू करती है एम्बेसी उस वाइफ को तो वो रिवोक कर सकती है, पासपोर्ट अथॉरिटीज़ भी पासपोर्ट रिवोक कर सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस कर सकते हो अगर आपने जो है मैरिज दूसरी की, तो आपकी चॉइस है। बाकी बहरहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है क्वेश्चन है। धन्यवाद, थैंक यू।